फ्रेंड्स, अपना शहर तो सबको प्यारा लगता है, लेकिन गोरखपुर की बात ही निराली है। गोरखपुर आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रेजेंट टाइम में भारत के हर लोग गोरखपुर से परिचित हैं। गोरखपुर मंडल का इतिहास और राजनीति हमेशा सुर्खियों में रही है। इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली और वीरता के घटनाओं से भरा हुआ है। दुनिया रहस्यों से भरी है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पल ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो संपूर्ण मानव जाति को आश्चर्यचकित और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। गोरखपुर मंडल भी रहस्यों के मामले में काफ़ी चर्चित रहा है। यहाँ बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिसकी चर्चा विश्व स्तर पर हो चुकी है और वो विज्ञान से परे हैं, जिसके गुत्थी को सुलझाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप गोरखपुर मंडल यानी कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के साथ सबसे रहस्यमयी घटनाओं से परिचित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, देवरिया के देवरहा बाबा। भारत के इतिहास में कई साधु संत ऐसे हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनकी कृति और सामाजिक योगदान से विश्व आज तक गुंजायमान है। ऐसे ही एक संत और दिव्य पुरुष थे देवरिया के देवरहा बाबा। ये गोरखपुर मंडल के देवरिया जिले के रहने वाले थे। इनके जन्म का सटीक प्रमाण आज तक रहस्य बना हुआ है। इनके प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। देवरहा बाबा के रहस्य, इनका उम्र आज तक रहस्य बना हुआ है। बहुत से लोग इनके उम्र को 200 साल, 500 साल और यहाँ तक कि 900 साल भी बता चुके हैं। बाबा जी 30 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते थे, जंगली जानवरों की भाषा को समझ लेते थे और खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर को पल भर में ही अपने बस में कर लेते थे। ये नदियों के किनारे मचान बनाकर रहा करते थे और एक खाली स्थान पर हाथ रखकर भक्तों को प्रसाद दिया करते थे। भक्तों में बहुत ही जिज्ञासा थी कि बाबा जी आखिर मेवे का प्रसाद देते कहाँ से हैं। निर्जीव वस्तुओं पर उनका पूरा नियंत्रण था। ऐसा कहा जाता रहा है, जब बाबा जी चाहते हैं तभी बंदूक से गोली निकलती थी, यानी दूसरे के बंदूक को भी बाबा जी अपने नियंत्रण में रख सकते थे। बाबा जी अन्न ग्रहण नहीं करते थे, केवल थोड़े से फलों और दूध का सेवन करते थे, यानी अपने शरीर के जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए वे ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करते थे। अक्सर बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं, लेकिन उनके मचान के आसपास बबूल के ऐसे पेड़ उगा करते थे जिनमें कांटे नहीं थे और उनसे सुगंध निकलती थी। बाबा जी एक समय पर अपने शरीर को दो जगह बनाए रख सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि रोगी आदमी को बाबा जी के मात्र स्पर्श से ही, यानी मात्र छू देने से ही उस आदमी का रोग दूर हो जाता था। अचानक 11 जून 1990 को बाबा जी का शरीर स्पंदन रहित हो गया। नंबर टू, गोरखपुर का रामगढ़ ताल। गोरखपुर मंडल के लिए रामगढ़ ताल प्रकृति की अनुपम भेंट है, जो आज गोरखपुर वासियों के लिए जुहू चौपाटी बना हुआ है। यह बहुत ही सुंदर और रमणीय है। इस झील का केवल गोरखपुर स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐतिहासिक महत्व है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई यह आज भी रहस्य बना हुआ है। इतिहासकार डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार 6वीं शताब्दी में राप्ती नदी के कारण इसकी उत्पत्ति हुई। एक दूसरे तथ्य के अनुसार एक विशाल नगर जो किसी ऋषि के श्राप में फंसकर ध्वस्त हो गया और ध्वस्त हुए नगर ने रामगढ़ ताल का रूप धारण किया। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ज्वालामुखी उद्गार से रामगढ़ ताल प्रकृति के अस्तित्व में आया। रामगढ़ ताल के उत्पत्ति को लेकर आज भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जो सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। शाम ढलते ही ताल के किनारे जुटने वाली भीड़ इसकी लोकप्रियता की मिसाल है। नंबर थ्री, महाराजगंज में स्थित लेहड़ा माता मंदिर। महाराजगंज जिले में वैसे तो तमाम देवी का स्थान है, लेकिन लेहड़ा देवी मंदिर का ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। महाभारत काल में पांडवों ने इस क्षेत्र में वक्त गुजारा था। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने इस जगह पर बन देवी की पूजा की थी। अर्जुन की पूजा से प्रसन्न होकर लेहड़ा माता ने उन्हें अमोघ शक्ति प्रदान की थी। माता ने सभी भाइयों यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को अपार शक्तियाँ देने के साथ उन्हें महाभारत के युद्ध में विजयी होने का भी वरदान दिया था। ऐसा भी कहा जाता रहा है बन की इस अद्रौना देवी यानी लेहड़ा माता का अवतरण द्वापर युग में कन्या रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना पर हुआ था। शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। माँ के दरबार में श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते हैं। वैसे तो यहाँ पूरे वर्ष भर भक्तों की लाइन लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। नंबर फोर, गौतम बुद्ध की स्थली कुशीनगर। कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन और गौरवशाली है। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर भारत के टूरिस्ट प्लेस में एक विशेष स्थान रखता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से खुदाई का काम करवाया गया और उसके दौरान बहुत सी प्राचीन रहस्यमयी वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिसमें लगभग 6वीं शताब्दी में बनी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी।
इस मूर्ति का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी मूर्ति की स्थिति में भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा खुदाई में रामाभार स्तूप, माथाकुवर मंदिर भी खोजे गए थे। कुशीनगर में अनेक बौद्ध देशों ने आधुनिक स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया है। चीन द्वारा बनवाए गए एक मंदिर में महात्मा बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा जापानी मंदिर में अष्ट धातु से बनी महात्मा बुद्ध की आकर्षक मूर्ति बोलती हुई प्रतीत होती है। कुशीनगर में खुदाई से प्राप्त अनेक अनमोल वस्तुओं को बौद्ध संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। वास्तव में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के साथ साथ भारत के लिए भी गौरव की बात है। नंबर 5, गोरखपुर का UFO। वैसे तो अंतरिक्ष में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं जो सबको आश्चर्यचकित करती रहती हैं। रहस्यों के इस लिस्ट में अंतरिक्ष के रहस्यों का विशेष स्थान है, लेकिन गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना देखने को मिली थी, जिसको जिसने भी देखा वह दंग रह गया। तो बात यह है कि गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र, जहां एक UFO धरती के करीब आते हुए दिखा, उसको देखकर एक ट्रैक्टर चालक ने अपना आपा खो बैठा और एक बिजली के खंभे से टकरा गया। स्थानीय नागरिकों का ऐसा कहना है कि यह घटना मात्र थोड़े समय के लिए हुई थी, जिसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से हुई, जिसके गुत्थी को आज तक कोई सुलझा न सका और वो विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नंबर 6, गोरखपुर का इमामबाड़ा। 300 साल पुराना मियां साहब का यह इमामबाड़ा मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जो गंगा जमुना तहजीब का मिसाल पेश करता है। भारत देश में इसकी पहचान सुन्नी संप्रदाय के सबसे बड़े इमामबाड़े के तौर पर है। 300 साल पुराने इस इमामबाड़े में सिया संप्रदाय की परंपरा का भी पालन होता है। यहाँ सूफी संत सैयद रोशन अली शाह का फैज बढ़ता है। यह भारत का ऐसा इकलौता इमामबाड़ा है जहां सोने चांदी की ताजिया है, जिसे देखने के लिए हर धर्म के लोग दूर दराज से आते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि यह इमामबाड़ा हर लोगों के दिली मुरादें पूरी करता है। गोरखपुर में मुहर्रम मनाने की परंपरा अनोखी है, जिसका श्रेय भी इसी इमामबाड़े को जाता है। इस इमामबाड़े में सोने चांदी की जो ताजिया है, वैसी ताजिया विश्व के किसी दूसरे इमामबाड़े में नहीं है। 17वीं सदी में बनी इस इमामबाड़े से होने वाली इनकम को शिक्षा और लोक कल्याण पर खर्च की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ से विधवा पेंशन भी दी जाती है। नंबर 7, गोरखनाथ मंदिर के बाबा गंभीरनाथ। गोरखपुर शहर और जिले का नाम एक प्रसिद्ध तपस्वी संत मत्स्येंद्र नाथ के प्रमुख शिष्य गोरखनाथ के नाम पर रखा गया। गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर संतों के संप्रदाय की स्थापना की थी। गोरखनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां गुरु गोरखनाथ हठ योग का अभ्यास किया करते थे। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के लिए एक बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है, क्योंकि यहां नाथ संप्रदाय का पीठ स्थापित है। नाथ पंथ के एक प्रख्यात योगी और दिव्य पुरुष थे बाबा गंभीरनाथ, जो आम जन की समस्या को सुलझाते हुए अपनी दैवी शक्ति का प्रदर्शन जाने अनजाने में कर दिए। तभी से ये कहानी प्रचलित हो गई। चूंकि बाबा जी अपने शरीर को एक समय पर दो जगह बनाए रख सकते थे, तो इसी शक्ति के जरिए रास्ते में फंसे एक यात्री की सूचना उसके परिवार वालों के द्वारा अपनी समस्या बताने पर देते हैं। जब वह यात्री सही सलामत घर आ जाता है, तो उसके परिवार वाले बाबा जी का दर्शन कराने उसे उनके आश्रम ले जाते हैं। यात्री उनको आश्रम में देख कर दंग रह जाता है कि बाबा गंभीरनाथ ही उससे रास्ते में मिले थे और सही सलामत होने की सूचना घर वालों को दिए। वैसे तो नाथ संप्रदाय के सभी संतों के पास अद्भुत शक्तियाँ थीं, लेकिन बाबा गंभीरनाथ के इस दैवी शक्ति को उस यात्री ने खुद देखा था। नाथ संप्रदाय का गोरखपुर में स्थापना और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित होना आज सभी गोरखपुर वासियों के लिए गौरव की बात है। गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।